मानसी राठौर। इंदौर में ही क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में लिए गए निर्णय के चलते कलेक्टर ने आज से मध्य क्षेत्र की दुकान खोलने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार, रानीपुरा और जेल रोड जैसे बाजारों में काफी भीड़ नजर आती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए नगर निगम द्वारा 50 ई रिक्शा हर क्षेत्र में लगाई गई है। इसमें हर एक रिक्शे में नगर निगम का कर्मचारी मौजूद रहेगा, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए सचेत करता रहेगा। निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और जिला प्रशासन के आदेशों के पालन के लिए नगर निगम द्वारा 50 ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी ई रिक्शा में पूरे समय नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो भीड़ को रोको टोको के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अलाउंस के माध्यम से कराएंगे। कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर साहब के आदेश के बाद आज जो मार्केट खुल रहे हैं, उनमें जो मध्य वर्ग का बाजार है, जैसे राजबाड़ा, सराफा, रानीपुरा, जेल रोड, जहाँ पर सामान्य दिनों में काफी भीड़ रहती है, आगामी त्योहार को देखते हुए इन सभी मार्केट में भीड़ ज्यादा रहेगी। इसी को देखते हुए नगर निगम ने 50 ई रिक्शा लगाए हैं, जो लगातार इन सभी मार्केटों में अनाउंसमेंट करते रहेंगे। जिन दुकानों पर भीड़ रहेगी या जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहा होगा, उनको ई रिक्शा के द्वारा टोका जाएगा। कोरोना वायरस को देखते हुए रोको टोको के मध्य से उनको टोका जाएगा। आज से कल जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी और जो कलेक्टर साहब का के जो आदेश हुए हैं, उसके अनुसार आज से पूरे शहर के मार्केट खुल रहे हैं और उसमें खासकर मध्य क्षेत्र का जो घना बाजार है, जैसे आड़ा बाजार है, बर्तन बाजार है, कपड़ा बाजार है, आपका इस तरह के जितने रानीपुरा है, जेल रोड है, या इस तरह के जो और भी बाजार हैं जहाँ त्योहारी खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है और भीड़ भाड़ जन सामान्य दिनों में भीड़ होती है, त्यौहार में तो भीड़ होती ही है, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सावधानी के लिए हमने 50 ई रिक्शा लगाए हैं। उन 50 ई रिक्शा में हर रिक्शा में एक नगर निगम का कर्मचारी बैठाया है, जो लगातार रोको टोको के तहत जो है अनाउंसमेंट भी करेगा, जिसमें जन जागरण करेगा, साथ में रोकता टोकता जाएगा।